से कम चार दिन से चल रहा है प्रोग्राम, आइतवार से चल रहा प्रोग्राम, ये अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा पब्लिक को। पब्लिक की तकलीफ ये है, स्कूल अच्छे नहीं है एरिया में, पानी की सहूलत नहीं है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, बहुत कुछ अपने रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा पब्लिक। पब्लिक ऐसा है, हमारे एरिया की हालत देख रहे हैं, रोड अच्छे नहीं, स्कूलों नहीं है, कैसा कैसे मामूली स्कूल में जाने को तो फीस बनने को नहीं है अपने को, इसलिए कुमारना सीएम बने थे। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे स्कूल एरिया में, वार्ड वार्ड अच्छे हॉस्पिटल, और जो गरीबों को घर नहीं अल्लाह वो, और एक रोड अच्छे, पानी की सहूलत, सैनिटरी पूरा अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह, कुमारना सीएम बने तो इंशाल्लाह। ये पुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा नाम मुन्ना जी है, पुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये कितने वार्ड कंप्लीट हुए? अब तक 4 वार्ड कंप्लीट हो चुके हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा है, वो हर कोई पब्लिक चाह रही है जेडीएस को वोट देंगे करके खुद बोल रहे हैं, लोगों बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा आ रहा है, देख लो कितने आदमी है इधर, हर कुछ की परेशानी है इधर। रोजाना कितने कंप्लेंट आ रहे हैं? रोजाना 4,000 से 5,000 कंप्लेंट आ रहे हैं डेली एरिया के। डायरेक्ट कुमार अन्ना देखेंगे, ये जो जो रिस्पॉन्स है वो ही खुद देखेंगे, वो कुछ करेंगे। मेरी लोगों से अपील है, ये बार इंशाल्लाह जेडीएस को वोट दीजिए दीजिए, इंशाल्लाह कुमार अन्ना सीएम बनेंगे, सबके मसले हल होंगे। जितना जनता मित्रा 13 तारीख तक है, 14 तारीख तक है, 14 तारीख को हमारा फंक्शन है, कुमार अन्ना आ रहे हैं, सीएम इब्राहिम साहब आ रहे हैं और निखिल भी आ रहे हैं। जनता मित्रा एक प्रोग्राम ऐसा है, हमारे लीडर कुमारा स्वामी की जानिब से जो है बैंगलोर सिटी के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 गाड़ियां भेजी गई हैं, जो कुमारा स्वामी सरकार में और हमारे प्रधानी अपाजी के दौर में जो जो काम हुए हैं वो डिस्प्ले के जरिए लोगों को बताया जा रहा है, और मुस्तकबिल में क्या हालात बदले जा सकते हैं एक डिस्प्ले वैन के जरिए बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, इसके अंदर जो है लोग अपना तारुफ उसके अंदर उनका डिटेल दर्ज करेंगे और अपनी राय भी जो है इसके अंदर रख सकते हैं, और किस तरह नई सरकार जब कुमारा स्वामी की सरकार जब हमारी सरकार आएगी तो क्या हालात बदलेंगे, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी है। लोगों का आप यहाँ पर झुमकार देख सकते हैं, लोग जो अपने खुद ही से जो है यहाँ पर आकर के अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और जो लोगों ने फैसला कर लिया है कि आने वाले 2023 में जो स्टेट की सरकार यानी कि कुमारा स्वामी सरकार जेडीएस को जिताना है। आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग जो है एक साथ होकर के ये फैसला कर चुके हैं। यहाँ के ये जो भीड़ है ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो है लोगों को बुलाया नहीं गया है, लोग जो अपने आप आ रहे हैं और अपने मसाइल को बयान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है कुछ भी हो 2023 में जो ख्वाब 123 का जो देखा गया था, मिशन 123 जो बनाया गया था, 123 नहीं बल्कि 150 पार अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि शहर बेंगलोर की हालात है तो विलेजेस में जहाँ पर हमारे किसान भाई रहते हैं और ये पहले से ही जो जेडीएस को मजबूत करना चाहते हैं, इस वक्त शहर के अंदर भी जो हालात हैं जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स है देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई सारे मसले हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं, और जो करप्शन खासतौर से जो मामला करप्शन के हैं ये भी तमाम चीज़ें जो देखने मिल रही हैं, ये भी कई सारी चीज़ें मिल रही हैं कि करप्शन भी जो इस वक्त में 40% इस तरह की जो सरकारें चल रही हैं इनको बदल करके हमारे स्टेट की एक नई सरकार कुमारास्वामी सरकार को जो इससे पहले भी 2 बार इन्होंने देखा है, तो इन लोगों ने तय किया है, लोगों ने तय कर लिया है कि आने वाले 2023 में कुमारास्वामी को सीएम बनाएंगे और शहर में अमन से रहेंगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने वार्ड आपने कंप्लीट किए? नहीं, यहाँ पर जो है पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम वार्ड वाइज नहीं जा रहे हैं, हमारे सदर सादिक साहब ने सबको लेकर के पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो काम किया, क्योंकि वार्ड वाइज करने के लिए डिलिमिटेशन जो तब्दील हुआ है, किस तरीके से नए डिलिमिटेशन है और उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी इसका कोई हिसाब नहीं है, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स जो है मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ वार्ड वाइज नहीं है बल्कि एक वक्त जो है मान लीजिएगा अगर सुबह हम डीजे हल्दी कर रहे हैं तो दोपहर में जो है एस के गार्डन कर रहे हैं, या फिर जो है थोड़ी देर के बाद में जो है खुशहाल नगर करें, यानी कि दिन भर में मुख्तलिफ वार्डों का दौरा चल ही रहा है। ये और आने वाले 15 तक रहेगा और 14 को इंशाल्लाह यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है जिसमें फॉर्मर सीएम कुमारा स्वामी और दीगर लीडरान शिरकत फरमा रहेंगे। जनता मित्रा जो कुमार अन्ना हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब जो ये प्रोग्राम शुरू करे
अब तो पुलकेशी नगर में सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सारे बेंगलोर में रिस्पांस आ रहा है। आज यहाँ डी जे अली में हमें लोगों से रब्ता कर रहे हैं, सब लोगों का सपोर्ट हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी से बेजार हैं, MLA से बेजार हैं, रोड नहीं है, पानी नहीं है, परेशानी है, सब सुना रहे हैं। इंशाल्लाह JDS गवर्नमेंट आने के बाद सब हम लोग सपोर्ट करेंगे। जय नाम आपका? मैं सैयद सादिक, पुलकेशी नगर कांचन से प्रेसिडेंट।